चलें। हेलो फ्रेंड, आज फिर से मैं लोकल मछली का रेसिपी बनाने वाली हूँ। अंकल का यहाँ पर तालाब से मछली पकड़ने वाली हूँ, अंकल पकड़ेगा तो आप लोग देखते रहिए अंकल कैसे मछली पकड़ते हैं। गा रोम ना नहीं शुरू कर दिया काका, आओ तुम रेसिपी सुनाना ना मला। आओ तब ग्रामन था मारे चलो हमारे तो की मस्त है मैं तामु खा का कबूतर आ अब रुई छे ओ रुई आ मैं जन ना ओए उल्टा ये उल्टा है को फ्रेंड मिल गई मछली। अंकल ने बहुत कष्ट किया मछली पकड़ने के लिए, मिल भी गया। तो अभी मैं घर में जाकर रेसिपी बनाऊंगी, आप लोग मेरे वीडियो देखते रहिए। बिल्कुल ताजा ताजा
फ्रेंड, अभी अभी हमारे गांव के पास ही है अंकल का घर, तो अंकल का तालाब से अभी अभी हम मछली ताज़ा ताज़ा पकड़ के लेके आई। मछली का एक रेसिपी होगा आज, तो रेसिपी के साथ हम सब्जी भी डालेंगे, सब्जी तोरई और आलू देसी स्टाइल से। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी बनेगा आज, तो फ्रेंड आप लोग मेरे वीडियो अंत तक देखिए। फ्रेंड तुने आंग आन इतना किसा रेसिपी सुनम नाई अनेक सहज न चीन पारागान काकने आरो दुर्लभ लगे पुखरी आ ताज़ा ताज़ा रो मैटुखा अपने लगे टाइ जिंजा दे आलू अनेक सहज अनेक सिम्पल भावे आंग तीन आनी रेसिपी सुनम नरक आनी भिडियो जो सोया शाक नाई तुम्हें लास्ट तक। फ्रेंड मछली का अंडे को मैं यहाँ पर नहीं पकाऊंगी, घर में दूसरा रेसिपी बनाकर मैं खाऊंगी। इस पर हल्दी डाल के थोड़ा मिक्स करके रखेंगे, खराब ना हो जाए। नमक भी डाल देंगे, यहाँ पर भी थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक और हल्दी अच्छी तरह हम मिक्स करके रखेंगे अंडे को। अभी मछली को भी नमक और हल्दी से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मछली फ्राई करने के लिए कढ़ाई चूल्हे पे रख देंगे। कढ़ाई पे वेजिटेबल ऑयल डालेंगे मछली फ्राई करने के लिए। मछली को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया, अब निकालेंगे। तीन प्याज ले लिया है हमने ग्रेट करने के लिए, और दो प्याज काट लिया है हमने, और हरी मिर्च भी काट लिया है। अभी ग्रेट करेंगे प्याज को।
आलू और तोरई को मैं पीस पीस करके काट लेती हूँ। फिर से कढ़ाई चूल्हे पे रखेंगे। फ्रेम तेल गरम हो गया, पहले से तेल मैंने मछली फ्राई किया था, थोड़ा सा तेल बचा है, इसी से मैं आलू और तोरई को हल्के से फ्राई कर लेंगे। फ्राई पर थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी डालेंगे। सब्जी अच्छे से फ्राई कर लिया हमने, हम निकाल लेते हैं अभी इसको। अभी कढ़ाई पे सरसों का तेल डाल देंगे। अभी साबुत जीरा डाल देंगे तेल पर, कटा हुआ प्याज को भी डाल देंगे। अभी ये क्या हुआ प्याज को भी डाल देंगे। हल्दी डालेंगे, अभी नमक अपने स्वाद अनुसार ही डालना, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर अभी डाल देंगे हम। थोड़ा सा पानी डाल के मसाला को अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। मसाला हमने अच्छी तरह फ्राई कर लिया, अभी फ्राई किया हुआ सब्जी को डाल देंगे। दो तीन मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे। दो मिनट हो गया, मैं ढक्कन निकाल लेती हूँ। अभी पानी डाल देंगे। और थोड़ा सा पानी डालेंगे। अभी मछली को डाल देंगे। फ्रेंड्स, मैं मछली के हेड को नहीं डालूंगी रेसिपी पर, मैं उसको घर पर मसूर दाल से और अलग से रेसिपी बनाकर खाऊंगी। अब कटा हुआ हरी मिर्च को डालेंगे।
लोकल मछली का रेसिपी रेडी हो गया, मैं निकाल लेती हूँ।